सीएफओ राजेश बहेती जी शामिल हो रहे हैं चर्चा में, जिनसे बात होगी जून तिमाही के नतीजों पर। कंपनी के मुनाफे में से घाटे में आ गई है, समझते हैं कि क्या वजह रही उसके पीछे। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमने देखा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो है वो करीब 115 करोड़ के आसपास के रहे हैं, क्या यही वजह रही जो है लॉस की, या फिर कोई और कारण भी था इस पूरे क्वार्टर में? हमेशा अपने आरएनडी एक्सपेंस को चार्ज ऑफ कर देता था पीएनएल में, जबकि एलियोर की प्रैक्टिस उस टाइम थी कि जो आरएनडी है उसको वो कैपिटलाइज करते थे और फिर उनको उनका था कि जैसे जैसे प्रोडक्ट कमर्शियल होंगे उसके बाद उसको अमोर्टाइज करेंगे। यूएस के मार्केट की सिचुएशन देखते हुए जब हम लोगों ने 100% ली तो हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये शायद सही नहीं है, बैलेंस शीट पे अननेसेसरी एसेट्स रख के कोई फायदा नहीं है, इट इज बेटर टू चार्ज ऑफ टू पीएनएल। एक बार हिट लेंगे लेकिन बाद में मेरी बैलेंस शीट हेल्दी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो मार्च 2022 में भी हमने करीब 190 करोड़ का चार्ज ऑफ लिया था और इस बार जून 2023 में हमने 115 करोड़ का चार्ज ऑफ लिया है। ये नॉन कैश आइटम है बिकॉज इसके जो एक्सपेंसेस थे वो तो पहले हो गए, लास्ट 3-4 साल के एक्यूमुलेटेड ये है और नॉन कैश नॉन रिकरिंग आइटम है। अब ये करने के बाद केवल 40 करोड़ रुपए ऐसे बचे हैं एलियोर की बुक्स में, एलियोर डर्मास्यूटिकल के बुक्स में, जो कि कैपिटलाइज है। हमारी उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में डिपेंडिंग ऑन सम डिस्कशंस विद ऑडिटर्स हम लोग इसको भी चार्ज ऑफ कर देंगे, तो बाई ईयर एंड ये बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। पूरे अगर वित्त वर्ष की बात करें FY23 की, तो आपकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है इस समय वो कैसी दिख रही है, नए लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान है और किस तरह से ये आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसमें हेल्प कर पाएगी? एलियोर डर्मास्यूटिकल एक्चुअली डर्मा स्पेसिफिक हमने कंपनी चालू की थी और उस टाइम आपको मालूम है डर्मा के का मार्केट यूएस पे काफी स्ट्रांग था, डर्मा रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। और इस कंपनी ने शुरुआत में अपने बहुत अच्छा काम किया, इनके 4 USFDA इंस्पेक्शन हो गए, सब में इनके कोई इनको कोई दिक्कत नहीं आई। करीब 30 प्रोडक्ट्स हमने इस कंपनी से फाइल किए हैं अभी तक, ANDA फाइल किए, जिनमें 20 की अप्रूवल मिल गई है, 14-15 प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च भी कर दिए हैं। तो कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि US में सिचुएशन के हिसाब से इनको प्राइस रियलाइजेशन नहीं मिल रहा है और उस कारण उस कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े स्ट्रेस में हैं। बट मेरे को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड विद जो दूसरी लॉन्चेज भी होंगी और उसके साथ जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कंपनी अच्छा करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये डर्मा स्पेसिफिक है और प्लांट बहुत इसका अच्छा है, कैपेसिटीज काफ़ी है हमारे पास और हम लोग इवन कोशिश कर रहे हैं, अर्ली डेज बट कोशिश कर रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो भी हम कर सकते हैं दूसरी कंपनियों के लिए, इंटरनेशनल कंपनियों के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट के लिए।